हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, आवाज दी घर में बैठे, बेटी पानी का प्याला तो लाओ। बेटी खामोश हो गई, साथ वाला कमरा बेटी का। फिर आवाज दी, बेटे सुन रही हो? अब्बा जी सुन रही हूं, पानी का प्याला देना। बेटी खामोश हो गई। तीसरी आवाज दी तो जौजा पानी लेके आ गई। ने कहा हुजूर पानी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को गुस्सा आया, कहने लगे बच्चे किस लिए, वो खुद क्यों नहीं आई? अब इतनी नाफरमान हो गई है कि एक प्याला पानी का बाप को नहीं दे सकती, क्यों नहीं आई? तो जौजा कहने लगी चले दरगुजर करें। उसने कहा अब्बा को नहीं बताना, पी ले। क्यों नहीं बताना, बताओ क्यों नहीं आई? मैंने उसको पुकारा था, तुम्हें पुकारता तो तुम आती, तुम्हें बताना पड़ेगा। जब बात जरा आगे बढ़ी तो मां थी ना, बात बेटी की थी, तो अम्मा रो पड़ी, आंखों में आंसू आए। कहा क्यों रोई हो? कहने लगी बेटी का पजामा फट गया, दूसरा है नहीं और आप लेके भी नहीं देते, कमरे में बैठ के तो पजामा सी रही है। तो कह रही थी अब्बा को बताना ना, उन्हें तकलीफ होगी। तो वो उसके पास दूसरा होता तो आ जाती, एक ही था तो इसलिए नहीं आई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों को बकदरे जरूरत रोजी अता फरमाई है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक रवायत मैंने पढ़ी, कलेजा मुंह को आया, मुस्तफा करीम बैठे थे तो सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखें सैयदा फातिमा आ गई है, वो देखें बीबी साहिबा बगैर बताए आ गई। हजरत फातिमा तज़्ज़हरा आई, हुजूर ने फरमाया फातिमा बगैर इत्तला के, हुजूर छोटा सा काम था, कैसे आई हो? तो बीबी साहिबा ने ना औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में, यहां लोग जेवर बांधते हैं, दौलत बांधते हैं, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। कहा बेटे ये क्या है? कहा अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं, तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, तो हुजूर मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। तो फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई, सैयद आयशा कहती हुजूर भी बैठ गए। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज की हुजूर तीन दिन से। फरमाया बेटे मैंने पांच दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों बाप बेटी मिलके खाते, रोटी दो हिस्सों में हुजूर ने बांटी, फरमाया चल आदि तू खा, आदि मैं खाता हूं। हजरत फातिमा ने लुकमा तोड़ के मुंह में रखा तो रो पड़ी, हुजूर पांच दिन से नहीं खाई। फरमाया बेटे चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है बस, अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें अता फरमा, रोने वाली बात ही नहीं है इसमें, बस हमारा क्या ताल्लुक, एक पुल है फिर मालिक बड़ा कुछ अता करेगा। ओ भाई, जो कायनात के मालिक व मुख्तार थे, जो अबरू का इशारा करे तो हजरत जिब्रील जन्नत की नेमतें लेके आ जाए, उन्होंने तो दुनिया की जानिब तवज्जो ही नहीं की, उनका तो ख्याल ही नहीं आया, दुनिया ही दुनिया, दौलत ही दौलत, हर आदमी दौलत के तराजू में तुलने लगा। अब तो कलेजा फटता है, अब तो लोग पूछते हैं, और मैं कभी कभी बड़ा मजबूर होता हूं, आजमाइश में आ जाता हूं, लोग कहते हैं जनाब आपसे कुछ कुरान की आयात सुननी है, आप कितने पैसे लेंगे? कुछ हदीसें सुननी है, क्या उसका मुआवजा होगा? आपसे उस नबी का नाम सुनना है जिसका आप खाते हैं, जिसके नाम पर आपने इज्जतें ली हैं, उनका नाम सुनना है, आपका रेट कितना, आप कितने में बेचेंगे वो नात जो गिजा है, वो कितने में बिकेगी? जब दुनियादारी का ये अशर हो जाए कि वो रसूल अगर उनका नाम ना रहे तो हमारी सांसें ही ना चले, उनका नाम भी जब इस तरह कमर्शियल करके लिया जाए और इस तरह वो चीजें भी रेट में आ जाए।